स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में, और ये एक ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर का पार्ट है दोस्तों, और बिगेस्ट लूजर जो एरिना में है उसके ऊपर है, और सबसे बड़ा बिगेस्ट लूजर एरिना का ये मैक्स किलर 333 लिंक से शुरुआत किया, और मैंने हिलका से ये देख लीजिए, बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। लिंक के प्लेयर्स के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया था कि वो लोग क्या करते हैं, ये प्रॉपर एग्जांपल है दोस्तों। बहुत कोई बोलते हैं कि लिंग एक पैसिव प्ले हीरो है, तो भाई देख लो क्या पैसिव प्लेइंग चल रहा है, ऑब्वियसली डमास्कस फ़ायदा देख लो। शाइनिंग डैश तैयार है, पहले तो ये लोग ट्रॉफीज के लिए रगड़ते थे दोस्तों, लेकिन अब तो हड्डी के साथ साथ मांस भी लोगों को मिल गया इंसिग्नियास के रूप में, तो कैसे छोड़ सकते हैं रगड़ना दोस्तों। रगड़ने से इनकी दूम साफ हो जाती है, और उसी दूम से ये लपक के खाते हैं हड्डी प्लस मांस। ये देखिए कितने अच्छे से चहलकदमी कर रहे हैं दोस्तों, दिखा रहे हैं कि मैं कितने अच्छे से चहलकदमी करके अपने आप को हल्का करता हूँ, बेसिक कर करके देखिए कितने अच्छे से हल्का कर रहे हैं। हल्का आफ्टर लाइफ में एक हैवी पड़ा है, ये देखिए बेसिक शाइनिंग डैश, और पहला राउंड तो भैया निकाल लिए, चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ दोस्तों। गिव खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता दोस्तों, और मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा इधर, इसलिए वॉइस ओवर में नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत कोई बोल रहे थे वॉइस ओवर लाने के लिए, तो भाई टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है, काम से फिर फैमिली से प्लस बिटिया रानी से, और थक जाता हूँ दोस्तों। और अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, माहौल एकदम शांत है, तो सोचा कल संडे स्पेशल आप लोग के लिए बनाना है, तो वीडियो वॉइस ओवर करना बहुत ज़रूरी, खास करके जब कैंपस वीडियो रहे तो। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने डाला था लीडर बोर्ड शीटर्स करके, वो वीडियो भी मैं वॉइस ओवर करके डालना चाहता था दोस्तों, 18 मिनट का वो वीडियो था, और दिखाना चाहता था कि 3 vs 3 की रियलिटी क्या है। खैर रियलिटी तो आपका सबके सामने दोस्तों, जब से लीडर बोर्ड अपडेट्स आया, और ये प्रेडिक्टेबल भी था कि लीडर बोर्ड्स आने के बाद ऐसे ही CHUTIY मिलेंगे हम लोग को दोस्तों, स्पेशल कैटेगरी वाले। ये लोग हर कैटेगरी को फेल कर देते दोस्तों, और ये अपोनेंट तो खैर खासा ही, सबसे बड़ा वाला MC बोल लो, BC बोल लो, BKL बोल लो, जो चाहे वो बोल लो दोस्तों। इसका ID भी देख लीजिए, बहुत पुराना प्लेयर है दोस्तों अरीना का, सिर्फ 5 डिजिट का ID, आई थिंक 40033। यस, और क्या ही कहना, आप लोग देख ही रहे हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये लोग को हड्डी नहीं, हड्डी के साथ मांस भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि पहले ट्रॉफीज़ के लिए ये लोग रगड़ते थे, और अब इंसिग्नियाज भी साथ में जुड़ गया दोस्तों, क्योंकि अगर इंसिग्नियाज नहीं रहेंगे तो ये लोग ऐसे स्किन लेके एरिना में ऐसे ही खेलेंगे। और यहाँ पे हेलगा हार गई इस राउंड पे, चलते हैं डिसाइसिव राउंड की तरफ और देखते हैं क्या होता है। पर आप लोग तो जानते ही दोस्तों, मैं तो मैं हूँ। राउंड 3 फाइट। डमास्कस प्लस लिंग घातक है, और खास करके बेसिक लिंग यूजर्स, जैसा आप लोग को वीडियो में भी बताया था रियलिटी लिंग प्लेयर्स की, उस समय भी ये प्लेयर का वीडियो मेरे पास था दोस्तों, लेकिन इसको स्पेशल कैटेगरी में डालना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन जैसे MC, BC, BKL प्लेयर्स जो है एरिना में, इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इनके प्लेइंग स्टाइल को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, इनके स्किल लेवल को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। एरिना में बहुत से CHUTIY मेरे स्किल्स पे उंगली उठाते हैं, लेकिन वो असल में इन्हीं कुत्तों के जात भाई है दोस्तों, जो रगड़ने में उस्ताद है। मुझे फील सच में होता दोस्तों कि जब किसी और को ऐसे प्लेयर्स मिलते होंगे, वो हारते होंगे, तो कैसा फील होता होगा, ये देख लीजिए दोस्तों, हिम्मत नहीं आगे आने में। शाइनिंग डैश तैयार है, इसको टाइम आउट से हराते दोस्तों, क्योंकि हेलगा का आफ्टर लाइफ ऑब्वियसली बचा हुआ है। टाइमिंग देख लीजिए, और इसको ग्रैब करने का एक इजी मौका, इतने मौका देने के बावजूद भी ये जो CHUTIY जैसे प्लेयर्स है दोस्तों एरिना में, ये लोग बाज नहीं आते दोस्तों, इतनी बेइज्जती करवा के, इतनी गालियाँ खा के, ये लोग कभी बाज नहीं आते। ये देखिए अपना बैक बटन का इस्तेमाल देखिए उसका दोस्तों, वो फ्रेश है, और ये डेस्परेट में आकर शैडो मूव इस्तेमाल कर लिया बउआ ने,
अलेले बउआ हार गया। बउआ का रगड़ाई काम नहीं आया, बउआ का शेडो मूव भी काम नहीं आया, बउआ उप से पवित्र हो गया। इस गर्मी में ये उप्स की ठंडी बारिश से ये बउआ बौखला के पता नहीं कहाँ चला गया। दोस्तों चलते हैं एक और अपोनेंट की तरफ, और ये तो खैर क्या ही बोलूँ दोस्तों, वो कैटेगरी वाला था ए, तो इसको मैं कैटेगरी दूंगा ए माइनस। हाँ दोस्तों ये थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से, लिंक से शुरुआत किया है, ओपोनेंट है शैडो फैलकन, शुरुआत मैंने ऑब्वियसली रानी जी से, क्योंकि मैं अभी ट्रॉफीज़ अगर बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ रानी जी से बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बाकी किसी हीरो से मैं ट्रॉफीज़ उतने नहीं बढ़ा पा रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। 30,000 इंसिग्नियाज मैंने कर लिए है कलेक्ट दोस्तों, सब हीरोज़ को 700 ट्रॉफीज से ऊपर ले गया हूँ, और जैसा आप लोग रानी जी का ट्रॉफीज़ देख रहे हैं 800 के रेंज में है। अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिलता खेलने का, अभी मैं क्वेस्ट भी सिर्फ पूरा कर रहा हूँ, वो डेली 10 पीवीपी भी बिल्कुल नहीं खेल रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ जो क्वेस्ट होते हैं वो एआई से कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि फटाफट हो जाता है। और क्या बोलूँ, घर आता हूँ तो आजकल आईपीएल मैचेस देख लेता हूँ दोस्तों, तो और मैं खेलने पे उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता क्योंकि खेलने का मन भी नहीं करता दोस्तों, ऐसे अपोनेंट के साथ कौन खेलेगा बताओ। और अगर आप ट्रॉफीज़ लूज़ करोगे और एक सर्टेन अमाउंट का ट्रॉफीज़ अगर आप लूज़ करते हो तो आपका इंसिग्नियास का लेवल भी घटेगा। और मैं क्या है कि इस सीज़न 100K इंसिग्नियास जमा करना चाहता हूँ दोस्तों, 65,000 है मेरे पास, 30,000 कलेक्ट कर लिए है, और 5,000 इंसिग्नियास के लिए खेलना है जो कि मेरे ख्याल से 2 वीक्स इनफ है जमा करने के लिए, लेकिन हो नहीं पाएगा दोस्तों क्योंकि जो स्केड्यूल है मेरा वो काफ़ी बिजी होने वाला है, एक तो गर्मी ऊपर से बाकी सारे काम, और SFA का नेक्स्ट इवेंट E2 स्किन पे होगा दोस्तों, तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा। स्टोरी मोड इस बार का जो बॉस है मुझे बहुत इजी लगा, कोई खास लगा नहीं शेंग, मुझे लगता है सबसे हार्ड बॉस किंग और बुलवर्क होना चाहिए दोस्तों। क्लैड हार्ड नहीं है लेकिन जो उसका अनब्रेकेबिलिटी, जो उसका क्रस्ट हेल्थ और डिफेंस जो है दोस्तों वो अनोइंग बनाता है उसको। बाकी किंग मुझे लगा थोड़ा सा हार्ड है, और सबसे हार्ड मुझे लगा बुलवर्क। बुलवर्क एक सक्सेसफुल बॉस मुझे लगता है स्टोरी मोड का होगा शेडो फाइट अरेना में। बाकी सारे बॉस हेल्गा को आप बोल सकते हो एट पार, और उसके अलावा सब बॉस फीके है दोस्तों। मुझे लगता है टॉप पे बुलवर्क, उसके बाद हेल्गा, और उसके बाद किंग और द लीडर। और यहाँ पे ये राउंड पे ये ख़त्म है, चलते डिसाइसिव राउंड की तरफ दोस्तों, और इस राउंड में पता चलेगा इसकी रगड़ने की क्षमता। ये देखिए रुक गए दोस्तों, एकदम स्टैचू बन गए, बचपन हम लोग स्टैचू स्कूल में खेलते थे ना, ये उसकी यादें ताज़ा कर रही। देखिए बैक बटन का पूर्ण इस्तेमाल पूरी तरीके से, बैक बटन जो है दोस्तों वो उसमें गम लगा कर रखे हुए है, एक उंगली उसी पे चिपका हुआ है, 4 उंगली का इस्तेमाल इधर से, 4 उंगली का इस्तेमाल इधर से। वाह, जंप किक किया और मुंह पे पड़ी है लात, ब्लास्ट होते ही लिंक्स गिर गए दोस्तों हेल्गा की लात खा के। ये देखिए कितने अच्छे से चहलकदमी कर रहे हैं, अपने आप को रगड़ते रगड़ते साफ भी कर लेते दोस्तों, गंदगी इन लोगों की दिखती नहीं है। ये देख लो, ये है शेडो फाइट अरेना के रियल प्लेयर्स दोस्तों, स्किलफुल प्लेयर्स, ये लोग स्किलफुल है दोस्तों, हम लोग पे टू विन है, लेकिन फिर भी दोस्तों इतना करके भी ये लोग जीत नहीं पाते क्योंकि मैं तो मैं हूं। ये देख लीजिए दोस्तों, क्या ही बोलना, बोर हो गया उन लोगों को इतनी गालियां सुना के, क्योंकि ये लोग की जो जात है दोस्तों वो कभी चेंज होने वाली नहीं है, ये लोग सुधर नहीं सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं ये लोग कुत्ते हैं, और कुत्ते की दुम कभी सीधी हो नहीं सकती है, चाहे आप पाइप में डाल लो, चाहे गम से चिपका के पाइप में 10 दिन के लिए छोड़ दो दोस्तों, फिर भी वो निकलेगा टेढ़ा ही, सीधा नहीं होने वाला। ये देख लो, जैसे आप लोगों को शुरू में ही बताया था, पहले ये लोग हड्डी के लिए तरसते थे और ये लोग अब मांस के लिए सर तरसते हैं दोस्तों, क्योंकि इंसिग्नियास प्लस हड्डी दोनों चाहिए इन लोगों को। और यहाँ पे बउआ का फिर से उप्स हो गया दोस्तों, अच्छे से पवित्र होके जा रहे हैं अरीना से। आलेले बउआ इमोट करता है, बउआ हार गया। चलते एक और अपोनेंट की तरफ, और ये वापस से फर्स्ट राउंड वाला जो अपोनेंट है दोस्तों, मैक्स किलर 333, सेम वही प्लेयर है, इस बार लिंक्स के साथ और मैं E2 के साथ हूँ। फाइट, जो बंदा फर्स्ट में नहीं सुधरा दोस्तों वो सेकंड में क्या ही सुधरेगा। लिंक्स का बॉम्ब ऑब्वियसली,
लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे दोस्तों इसको हराने की। अलेले बाबा का शेडो मूव मिस हो गया, बाबा गवार कैंपर है। SFS से ज़्यादा मज़ा तो आजकल मुझे शेडो फाइट 3 में आ रहा है दोस्तों, उसमें ग्राइंड करने का भी अलग मज़ा है। लेकिन SFS सच बताता हूँ दोस्तों खोलने का भी मन नहीं करता, लेकिन क्या करूँ, फाइट पास को लेके डेली क्वेस्ट कंप्लीट करना है, और वो भी सिर्फ क्वेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, वो 10 PvP वाले तो चोचले बिल्कुल भी नहीं कर रहा दोस्तों, कौन अपना टाइम वेस्ट करे। यहाँ पे स्पेशल अटैक और उसको मौका दे दिया, लेकिन क्विटिसेंस ने बचा लिया दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ और देखते हैं कहाँ तक रगड़ने का इसकी जो क्षमता है वो जाता है। फाइट, ये देखो बॉम्ब, मुझे पता था आएगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी क्लोज था और टैक्टिकल रिट्रीट हम लोग जानते हैं कि क्लोज रेंज में काफ़ी इफेक्टिव है। परफेक्ट स्टेल्थ ऑब्वियसली ड्यूरेशन बढ़ाता है इनविजिबिलिटी का, लिंक्स का डैमेज गजब, मुझे लगता है E2 से भी ज़्यादा डैमेज है लिंक्स का। स्पेशल अटैक उसका कनेक्ट हो गया और बहुत मुश्किल होगी, जी हाँ ये राउंड हार गया दोस्तों। चलते डिसाइसिव राउंड की तरफ, राउंड 3 फाइट, ये देख लो दोस्तों। और यहाँ पे मेरा स्पेस टाइम स्लैश कनेक्ट हुआ है, बेसिक और रगड़ना, टाइम मैनिपुलेशन तैयार है, स्पिनिंग अटैक और E2 ने अच्छे से खरोच डाला है। स्पेस टाइम स्लैश फिर से तैयार, ये रहा टाइम मैनिपुलेशन, लेकिन उसका लो अटैक बचा लिया उसको, और एक स्पेस टाइम स्लैश और यहाँ पे इसके सारी हेकरी निकल गई। यार ले बवा फिर से हार गया, बवा गवार कैंपर है। आशा करता दोस्तों यूमिलेशन ऑफ कैंपर का ये नया पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फिर मिलूंगा, बाय बाय।